जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी दिव्या मदेरना ने पर्चा भरा है। इस दौरान आयोजित नामांकन रैली से दिव्या मदेरना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिव्या ने विरोधियों को करारा जवाब दिया। दरअसल नागौर सांसद एवं आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कई जनसभाओं में दिव्या मदेरना की शादी को लेकर कई बयान दिए थे। उसी का मदेरना जवाब दे रही थी। दिव्या जब मंच से भाषण दे रही थी तो उनका भाषण सुनकर कई लोग भावुक हो गए। दिव्या मदेरना अपने पिता को जेल में हो रहे कष्ट पर बोल रही थी। इसी दौरान दिव्या मदेरना का भाषण सुन रहे एक बुजुर्ग रो पड़े। बुजुर्ग की आंखों में आंसू वाला वीडियो दिव्या मदेरना ने भी शेयर किया। दिव्या ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, माता पिता के बाद मुझे जीवन में किसी पर भरोसा है तो आप पर। हमारी फौज का एक एक व्यक्ति कमांडर है। मेरे कार्यकर्ता सोने की तरह खड़े हैं। आप ही मेरी पूंजी है, मेरा विश्वास और स्वाभिमान है। मैं इस स्नेह से अभिभूत हूँ। सर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। बता दें, दिव्या मदेरना का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो हनुमान बेनीवाल द्वारा बार बार उनकी शादी को लेकर उठाए जाने पर जवाब दे रही थी। दिव्या ने विरोधियों का नाम लिए बगैर कहा, मुझ पर निम्न से निम्न स्तर के वार किए गए, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। बता दें, दिव्या एक बार फिर से ओसिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले 2018 में भी ओसिया से दिव्या मदेरना जीत कर विधायक बनी थी। इस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी ने भैराराम चौधरी को टिकट दिया है। दिव्या मदेरना को राजनीति दादा परसराम मदेरना से विरासत में मिली है। दिव्या मदेरना पूर्व मंत्री महिपाल मदेरना की बेटी है।